उल्हासनगर शहर में आज 25 अक्टूबर के दिन कोरोना के नए 30 मामलों की जानकारी मिली है। इसी के साथ शहर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 10,096 पहुंच चुकी है। वहीं आज 49 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है। इसी के साथ अब तक कोरोना मुक्त हुए लोगों की संख्या 9,240 पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 333 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय शहर के 523 मरीज एक्टिव हैं, जिनमें से कोविड केयर सेंटर में 47, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 77, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 27, होम आइसोलेशन में 181 व उल्हासनगर मनपा क्षेत्र के बाहर 191 लोगों का इलाज चल रहा है। आज जिन 30 मामलों की जानकारी हमें मिली है, उनमें कैंप नंबर 1 से एक मामला शामिल है, जो गोल मैदान परिसर का बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 2 से आज 5 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें रमाबाई अम्बेडकर नगर परिसर से 1, आजाद नगर परिसर से 1, झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल के पास परिसर से 1, पारस रेसिडेंसी परिसर से 2 मामले बताए जा रहे हैं। वहीं कैंप नंबर 3 से आज 6 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें 17 सेक्शन परिसर से 2, धर्मदास दरबार के पास परिसर से 1, जेठानंद अपार्टमेंट परिसर से 2, राधा स्वामी सत्संग हाल के पास परिसर से 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 4 से आज 13 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें श्रीराम नगर परिसर से 2, हॉस्पिटल एरिया पंचायती हॉल के पास परिसर से 1, काली माता मंदिर परिसर से 2, ब्राह्मण पाड़ा परिसर से 1, सुभाष टेकड़ी परिसर से 1, शिव नगर परिसर से 1, संतोष नगर परिसर से 1, रामजी अंबेडकर नगर परिसर से 1, समता नगर परिसर से 2 व कैंप नंबर 4 का एक और मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 5 से आज 5 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें नेहरू नगर परिसर से 1, ओटी सेक्शन परिसर से 1, गांधी रोड परिसर से 1 व सह्याद्री नगर परिसर के 2 मामले बताए जा रहे हैं। टाउन दर्शन इसी तरह से रोज आपको अपडेट देता रहेगा। यह अपडेट जानने के लिए जल्द से जल्द टाउन दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।